गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपने उपसमुच्चय की बात कर ली थी, अंतराल के रूप में वास्तविक संख्याओं को जो निरूपित करते थे वो भी हमने क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम देखते हैं जो हमारे सिलेबस में है समुच्चयों पर संकीर्ण, समुच्चयों पर संकीर्ण। देखो समुच्चयों पर संकीर्ण योग अंतर आदि होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है एक तो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, बाकी रिमूव हो चुका है सिलेबस, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, और एक हमने करना है समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। इन पर आधारित क्वेश्चन ही करने हैं, बाकी जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। जो भी है अंतर योग जो भी पार्ट है वो सारे के सारे हमारा रिमूव हो चुका है। सिर्फ इसमें करना है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और उस पर आधारित क्वेश्चन और समुच्चयों का सम्मिलन। सबसे पहले देखते हैं समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन। इसकी डेफिनेशन लिखोगे, यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय है, ए और बी क्या है कोई दो समुच्चय है, तो इनका जो सम्मिलन है वो किसको निरूपित करता है, ए और बी के अवयवों, ए और बी के अवयवों को निरूपित करता है। इनका जो सम्मिलन है किसको निरूपित करता है, ए और बी के अवयवों को निरूपित करता है। क्या लिखोगे, यदि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं तो समुच्चयों का सम्मिलन ए और बी के अवयवों को निरूपित करता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से, इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं, यूनियन, ठीक है, यूनियन याद रहे, ए यूनियन बी, ए और बी दो समुच्चय है, इनका सम्मिलन निकालना है तो किससे निरूपित करेंगे, ए यूनियन बी, या इसे बोल सकते हैं इसमें ए तथा बी का सम्मिलन, यानी ए सम्मिलन भी बोल सकते हैं, यूनियन ए सम्मिलन भी, यहां क्या बोल सकते हैं, ये यूनियन। इसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो भी ए और बी में विद्यमान होते, याद रहिएगा ए और बी के सारे एलिमेंट ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल हमें दिया है स्मॉल ए बी सी डी ई, और बी इक्वल दिया है हमें मान लो डी ई और स्मॉल एफ। अगर हमें बोले इनका सम्मिलन निकालना है, ठीक है, या यूनियन, तो ए यूनियन बी इक्वल क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई और एफ, एफ इसके पास नहीं है, इसके पास है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी सी डी ई एफ, याद रहिएगा समुच्चयों का सम्मिलन। अब बात करते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, यदि ए और बी क्या है दो समुच्चय हैं, तो इनका सर्वनिष्ठ क्या होगा, जो इनमें कॉमन वैल्यू होगी, क्या होगी, कॉमन वैल्यू होगी वही समुच्चय है, क्या होता है, सर्वनिष्ठ। इसे किस साइन से निरूपित करेंगे, उसमें सीधा यू हो गया, इसमें उल्टा यू, इसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, या क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ, ठीक है। ए और बी दो समुच्चय है, इनका ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए सर्वनिष्ठ होगा बी का, इसमें कॉमन वैल्यू आएगी। अगर इसी एग्जांपल की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी इसमें इंटरसेक्शन करना है, यानी इनका सर्वनिष्ठ निकालना है, तो इनमें कॉमन वैल्यू कौन सी है, ई, एक तो डी है और ई, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, डी और ई। अब आता है इसमें एस युक्त समुच्चय,
अब पढ़ते हैं इसमें असंयुक्त समुच्चय और इन पर आधारित क्वेश्चन। आपके वेन डायग्राम भी नहीं है, वेन डायग्राम भी आपके सिलेबस से हट चुका है, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी हो जाते हैं। तो देखो असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त कौन सा समुच्चय होगा, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी क्या है दो समुच्चय हैं, और उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है या कॉमन नहीं है, कॉमन हो गया तो सर्वनिष्ठ ही आ जाएगा उसका। अगर उनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो वो कौन सा समुच्चय होगा, असंयुक्त समुच्चय होगा। तो वो कौन सा समुच्चय होगा, असंयुक्त समुच्चय, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल में क्या हो फाइव, कुछ भी कॉमन नया ये रिकर्स समुच्चय है कॉमन यानी फाइव, तो वो कौन सा समुच्चय होगा, असंयुक्त समुच्चय। अब इन पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें 1.4 में समुच्चयों का सम्मिलन ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है इसमें, समुच्चय युग्म का सम्मिलन यानी यूनियन ज्ञात करना है। फर्स्ट है जैसे इसमें कैपिटल एक्स इक्वल में 1, 3, 5 और कैपिटल वाई इक्वल में 1, 2, 3 इनका सम्मिलन यानी एक्स यूनियन वाई इक्वल में 1, 3, 5 यूनियन 1, 2, 3 सारे के सारे एलिमेंट आ जाने चाहिए इसमें, तो 1, फिर 2, 3, 5 तो इसका सम्मिलन क्या हो गया 1, 2, 3, 5 इसके सारे के सारे एलिमेंट आ गए इन दोनों के, तो ये इसका क्या होता है समुच्चय का सम्मिलन। और देखते हैं इसमें जैसे इसका थर्ड दिया है कैपिटल ए इक्वल एक्स कोलन, एक्स एक प्राकर संख्या है, एक्स कोलन एक्स एक प्राकर संख्या है और 3 का गुणज ये दिए। फिर बी में क्या दिया है, एक्स कोलन एक्स संख्या 6 से कम, एक प्राकर संख्या, इसका सम्मिलन हमें याद करना है, एक्स कोलन एक्स एक प्राकर संख्या और 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज 3, 6, 9, 12, 15 डैश 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 ये होगी ए की वैल्यू, यहां से बी की वैल्यू एक्स कोलन एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकर संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5 इसका सम्मिलन ज्ञात करें ए यूनियन बी इक्वल में क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15 डैश डैश डैश, तो ये इसका क्या होगा सम्मिलन। ठीक है, इसी प्रकार से है इसके क्वेश्चन ये। फिफ्थ और देखते हैं इसमें जिसमें फाइव दिया रहेगा समुच्चय का दिए, तो फाइव इसमें काउंट नहीं होता, अभी फाइव नहीं लिखोगे, देखो किस प्रकार से करोगे। फिफ्थ में दिया है कैपिटल ए इक्वल 1, 2, 3 कैपिटल बी इक्वल 5 कैपिटल बी इक्वल हमें क्या दिया है 5 तो ए यूनियन बी इक्वल क्या आएगा, ए यूनियन बी इक्वल आएगा 1, 2, 3 क्योंकि याद रखोगे इसमें ए यूनियन 5 इक्वल में क्या है यहां पर ए ही है, तो ए यूनियन 5 इक्वल क्या होता है ए ही होगा,
बी यूनियन फाइव इक्वल क्या होगा, बी ही होगा। मान लो यहां पर बी होता और यहां पर सी होता, बी यूनियन सी क्या होता है, बी की वैल्यू ही होगी। ठीक है, तो ए यूनियन बी यहां पर क्या हो गया, वन टू थ्री, ए यूनियन फाइव इक्वल क्या होता है, ए ही होता है। इसी प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट है जो आपने बाकी खुद करने। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, माना कैपिटल ए इक्वल, माना कैपिटल ए इक्वल स्मॉल ए बी है। कैपिटल ए इक्वल उसने बोल दिया क्या है, स्मॉल ए बी, कैपिटल ए इक्वल स्मॉल ए, और कैपिटल बी इक्वल स्मॉल ए बी सी है। कैपिटल बी इक्वल स्मॉल ए बी सी है, तो क्या ए उपसमुच्चय है बी का? पहले तो ये बताना है कि ए जो है इस बी का उपसमुच्चय है या नहीं। ए के एलिमेंट स्मॉल ए बी बी में विद्यमान है, तो ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय बी है। क्यों है? क्योंकि ए के जो भी एलिमेंट या अवयव है वो बी में विद्यमान है। फिर नेक्स्ट उसने आगे क्या पूछा, इसमें ए यूनियन बी ज्ञात करो, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी इक्वल किसके, कैपिटल बी के, क्योंकि ए किसका उपसमुच्चय है, बी का। ए उपसमुच्चय है बी का, तो ये वैल्यू जो है हमारी सम्मिलन वाली भी कौन सी आएगी, बी वाली वैल्यू ही है। अगर ए उपसमुच्चय बी का नहीं होता, मान लो यहां पर स्मॉल ई आ गया, तो यहां पर ये ई एलिमेंट इसके पास नहीं है, तो ए जो है उपसमुच्चय नहीं होता बी का, तो ये भी वैल्यू बी के इक्वल नहीं आती, यहां ई और आ जाएगा। समझ गए? इसी प्रकार से इसमें थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन भी सिंपल है, फोर्थ क्वेश्चन ये भी इसका ही है। फिर फोर्थ क्वेश्चन तक आप इसके खुद करोगे, समुच्चय के सम्मिलन तक। फिर आगे जो है सर्वनिष्ठ के क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करें। बाकी इसमें जो भी आपके डाउट है वो आप मैसेज करके अपने डाउट क्लियर करोगे, तो फोर्थ क्वेश्चन तक आप इसके खुद करो, फिर भी डाउट है आप मैसेज करके अपने क्लियर करो। आज के लिए इतना ही।